मार्केट से सस्ते में मिलती है, बहुत सस्ते में मिलती है और वैरायटीज भी मिलती है। मुझे ना भाई ऐसे कुछ दिखाओ जैसे फ्लावर्स के साथ वाले। हम लोग का बिल हुआ है 25,000 रूपए का और ये आया है हमें कुछ 3,000 के आसपास। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आई होप कल का प्रैंक आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो निदा को मैं नींद में सुना रहा था इतनी बातें पूजा पूजा बोल के, वो अभी भी पूछती कि तुम्हारे दिमाग में पूजा नाम कैसे है। मतलब पूजा नाम इतना कॉमन है कि हर किसी के दिमाग में वही नाम आता। बोले किसी का नाम लो तो बोले पूजा, लड़की में नाम लो तो बोले आयशा आलिया है ना निदा। चलो कोई नहीं। तो गाइस आज है ना हम लोग जाने वाले हैं टाउन। टाउन इसीलिए जा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अपना बैल्कनी सेटअप करें, क्योंकि हमारी बैल्कनी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो निदा बोल रही है कि चलो फिर बैल्कनी को रेनोवेट करते हैं, पूरा बैल्कनी चेंज करते हैं, देखने में मजा आएगी और यहाँ पे और ज्यादा वीडियोज भी बना सकते हैं हम लोग। मैं आपको पहले बैल्कनी दिखाता हूँ मेरी, ये देखो बैल्कनी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पौधे भी सब झड़ गए, कचरा वचरा इधर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो निदा बैल्कनी में क्या चेंजेस करने वाले अपन? बैल्कनी में जो रियल प्लांट्स है वो सब निकाल दूंगी मैं, क्योंकि हम लोग रहते घर पे तो फ्लावर को पानी वानी नहीं दे सही पाता बात है, सही बात वो है। मुरझा जाते हैं तो मैं उसकी जगह पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाऊंगी। ओ मतलब और नीचे ग्रास भी बिछाने वाले ना? यस, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो गाइस निदा ने सब कुछ प्लान कर लिए, सुबह उठते साथ ही सब फटाफट बैल्कनी में गई, सब काम वाम करी, बोले चलो अब बैल्कनी सेटअप करते। बैल्कनी सेटअप कर रही है, अपने हस्बैंड को सेटअप नहीं कर रही, दाढ़ी मुच्छी सब बढ़ गई है उसको, उसकी टेंशन नहीं, उसको बैल्कनी की टेंशन है। बोलो निदा यहाँ इतनी घास उगी, ये कब काटोगे? नई घास लेने जा रहे हो तुम? काटो नहीं मतलब काटने दोगे ऐसा बोल रहा हूँ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने झाड़ों के। हाँ तो निदा आज सामान जल्दी से जल्दी लेंगे अपन, क्योंकि मुझे हेयर कट भी कराना है, तो हेयर कट ही बॉम्बे में करा लूंगा गाइस, मेरे को टेंशन वाली बात नहीं है वैसे तो। इंशाल्लाह बॉम्बे क्यों जा रहे हैं, यहाँ से भी ले सकते बट बॉम्बे इसलिए जा रहे हैं। हाँ महंगा है। सो गाइस यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा महंगी है नवी मुंबई में, और बॉम्बे में हमारे शानू भाई आप लोगों को मालूम है जिसने हमें झाड़ दिलवाया है, ये सब झाड़ दिलवाया है, ये सब दिलवाया है, तो यू नो हमारी अच्छी खासी पहचान है वहाँ पर। हम आप लोगों को लोकेशन भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो आप लोगों को भी अगर करना हो आपके बैल्कनी में या घर में ट्री सेटअप या ग्रीनरी सेटअप करना हो तो आप लोग जाके कर सकते हो। तो गाइस पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाली, कहाँ कहाँ से शॉपिंग करेंगे, सामान कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ वगैरह वगैरह, जो भी है सब डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में, गाइस एंड तक जरूर देखना ठीक है। तो हमारी मैडम को ये ही नहीं पता कि मेजर टेप कहाँ रखे, अब यहाँ पे फ्लोरिंग का मेजर कैसा लेंगे उनको पता ही नहीं है, अभी हाथ से गिन रही है 1, 2, 3, 4, 7, 2, 4 बाय 7। 1 फुट कितना होता है? 12 इंच। हाँ 12 इंच 1 फुट, तुमको कैसे मालूम पड़ा 12 इंच? 12 इंच 1 फुट की टाइल्स। तुम्हारा पैर देखो, तुम्हारा पैर कितने कितने टाइल्स में आ रहा है, एक तुम्हारे उंगली तक आ रहा है। तो बराबर है ठीक है। और क्या क्या चेंज करना निदा? और ये सारे जो प्लांट्स है वो मैं निकाल दूंगी। तो अभी क्या रखोगे इसकी जगह पे? तो कितने पॉट्स है? बस एक दो ब्लैक पॉट्स, एक ये दो व्हाइट पॉट है, अच्छा एक ये पॉट है और दो ये, वो तीन को रहने दूंगी मैं। और यहाँ पर निदा अपन घास लगा के चेयर भी लगा देंगे बैठने के लिए। पैसे का सस्ती सेकंड हैंड देखेंगे ना अपन चोर बाजार से, फिर इसका क्या करना है? ये तो प्यारा सेटअप है ऑलरेडी। चलो ठीक है, मैं सोच चुकी हूँ यहाँ पे कुछ और फ्लावर्स का कर सकते। वो तो तुम वहाँ जाओ तो अपना दिमाग चला ही लोगे। चलो फिर निकलते फटाफट, जरा भी देरी नहीं करेंगे। सो गाइस चलते हैं बॉम्बे के लिए, फटाक से निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते। मेरे को जो लगता है निदा का प्लान, निदा ना 1 महीने बाद घर का इंटीरियर भी चेंज कर देगी। हम लोग यहाँ पर आने से पहले सोचे थे कि हर 6 महीने में इंटीरियर चेंज करेंगे, बट अभी मुझे लगता नहीं, इतना पैसा हमारे पास है नहीं अभी कि हम लोग पूरा इंटीरियर चेंज कर सके। बहुत खर्चा, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए जाते ही गाइस पूरा घर का इंटीरियर चेंज करने में। यस, बट हम लोग को अभी 5 महीने हो चुके ऑलरेडी ये सब सेटअप करके, और 1 महीना बाकी है, फिर उसके बाद मैं सारा सोफा का चेंज करूंगी, मैं चेयर्स चेंज करूंगी। सो गाइस बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं बैल्कनी से ठीक है। चलो निकलते हैं। हम लोग बॉम्बे पहुंच गए हैं और हम लोगों ने पार्किंग आज नई जगह पे की है ना, मस्त खुली 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 जगह पे, क्योंकि यहाँ से फ्रीवे नजदीक है। और मदनपुरा में गाड़ी खड़ी करने का रीजन क्या है कि मदनपुरा में गाड़ी खड़ी करो ना, फिर वहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता है फ्रीवे, तो हम लोग सोचे यहीं खड़ी करते, लेकिन अब्बा चिल्ला रहे थे कि यहाँ क्यों खड़ी, क्या तू रुक ना रात में, जा क्यों रहा है, वहाँ खड़ी कर, वहाँ अच्छे से रहेगी। बोला नहीं अब्बा, ग्रीनरी है ना यार, ठंडा ठंडा रास्ता है देखो। चलो अभी वेट करते हैं और अब्बा और दानिश का लेने आ रहे हो लोग हम लोगों को। तो दानिश यहाँ पहुंच गया हम लोग को लेने के लिए और वो बोला कि तुम लोग बाइक लेके जाओ, अब्बा को अब्बा के साथ में आएगा वो, कितना अच्छा भाई है देखो, मेरा बेचारा शरीफ है। तो नहीं आप गाड़ी चला रहे, हेलमेट पहन लो। चलो अरे क्या हो रहा है घर में, अच्छा लोबान हुआ है, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इस पंचोला मिला है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं ना मैं क्या बोला, कहा गरीबों का 2 लाख रुपए का है वो, गरीबों वाला नहीं है,
नहीं 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 बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा अमीर घर में यही और कोई भी नहीं है गाइस। तो गाइस हम लोग अभी अब्दुलरहमान स्ट्रीट पहुंच गए हैं, लेकिन निता को एड्रेस पता नहीं है, निता गलत जगह पे लेके आई और मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आ गया, जबकि एड्रेस मुझे पता है। ए, मुझे भी पता है एड्रेस। हाँ चलो लेके चलो, बताओ झाड़ वाली लाइन। हाँ वही तो मेन है बेटा, यहाँ पर लाइटिंग की दुकान है, अब लाइट ऐसे लिए जा। ये रही सब दुकानें, यहाँ पे झाड़ लाइट्स वगैरह मतलब टोटल इंटीरियर की चीजें सब कुछ मिलती है गाइस अब्दुलरहमान स्ट्रीट में। दूसरी जगह पे महंगा मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सस्ता मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा खुफिया जगह पे जा रहे हैं। यो तो आ गए हम लोग शॉप में और ये जाना धन खाली झाड़ी झाड़ रही था यहाँ पर, देखो पूरा अमेजोन फॉरेस्ट दिख रहा है। मुझे ना भाई ऐसे कुछ दिखाओ जैसे फ्लावर्स के साथ वाले। तभी ये वाला पसंद आया है निदा को, पॉट के साथ में। और ये आप लोगों ने देखे रहोगे जो हमारे घर पे लगा हुआ है ऑलरेडी, ये इसमें का छोटा भी है। इधर बहुत सारे गाइस वैरायटी वैरायटी यहाँ पर, आप लोग देख लो। ये कहाँ रखेंगे निदा पुन? ये सब बालकनी। अच्छा ये वाला अच्छा लगा गाइस, आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला? मैं खरीदने तो वाली अभी हूं। हाँ तो लेकिन दूसरों की भी ओपिनियन जानेंगे ना पुन। थोड़े मरे हुए लग रहे, थोड़े पानी डालो ना इसपे। ये सब आर्टिफिशियल है गाइस, पानी डालने से कुछ नहीं होता है, खाली धुलता है वो। निदा कोने में एकदम घुस घुस के निकाल रही है। हाँ ये लो, शानु भाई आ गए। तो गाइस दो हमारे मीडियम मीडियम झाड़ हो गए। yes. अब हम लोग देख रहे छोटे वाले, जो छोटे वाले जिसमें छोटे छोटे पॉट थे ना। हाँ ये भी अच्छे लग रहे हैं यार, ऐसी तो चाहिए अपने को। हाँ भाई भाई पॉट के साथ आएंगे। पर अभी हम लोग बाहर का छोड़ के अंदर आए और अंदर भी इतना स्टॉक है माशाल्लाह शानु भाई के पास। तुम्हारी बर्थडे में हमने नहीं लिए थे ये सब ना। हाँ ये अच्छा लग रहा है, स्मॉल ट्रीज है, बोनसाई। ये देखो ये, अरे हाँ ये क्यूट, ये सब मस्त लग रहे यार। देख लो गाइस ये सब है, ये देखो इधर भी छोटे छोटे फ्लावर वाले यहाँ पे भी है। इधर अंदर ही अपन सेंटर टेबल पर रख सकते हैं, वाला मस्त लग रहा है। देखो ये वाले स्टैंड की मैं बात बताना चाहती हूँ कि सुफियान की बर्थडे के लिए बेचारे शानू भाई ने खरीदे और मुझे दे दिए थे ऐसी लगाने के लिए, और तब से ऐसी पड़ा हुआ है यहाँ पे। मतलब शानू भाई ने हम लोगों की बहुत हेल्प की, जिसके लिए हम लोग उनकी दुकान में आते हैं हमेशा और उनसे सब सामान खरीदते हैं गाइस। और हमेशा सस्ते में मिलती है मेरे को, बहुत मार्केट से सस्ते में मिलती है, बहुत सस्ते में मिलती है और वैरायटीज भी मिलती है। तो निदा ने क्रीपर लिए, रेड फूल निकलेंगे सही बात है। तो बैल्कनी में जो हमारी साइड की जगह है वहाँ पे क्रीपर लगाने का सोच रहे हम लोग। तो निदा बोल रही है एक रेड एक व्हाइट एक रेड, तो वो बोल रहे ऐसा मत करो, सही बोल रहे निदा। रेड लगाओ ऐसा बोलते हो आप ना। तो गाइस अलग अलग साइज के भी आते हैं, देख लो आप लोग कभी आओगे तो आप लोगों को आइडिया लेके आना घर से, ठीक है। ये क्या लग रहा है निदा यार, लो लो ये मस्त लग रहा है, पॉट में डाल देंगे। 15-20 हजार का होगा। केले का झाड़ चाहिए बालकनी में लगाने के लिए। अरे माँ ये कैसे नकली है रे। केले का झाड़ लूं? नहीं नहीं नहीं, अपने पास ये वाला है देखो सूफी। हाँ अपने पास ऐसा वाला है, चलो निदा ले लो फटाफट जो भी है। आराम से निकालो आ सुफियान, बहुत डर लग रहा है मेरे को, मेरा दिल धक धक हो रहा है। पहली बार कोई चीज मेरे सही निकली। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये भी हाँ ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा थोड़ा। अरे उल्ट रहने दो, वो मेरी आर्टिस्ट गिरी है वो मैं लगा लूंगी, तुम लेने का काम करो बस। सेंटर टेबल के लिए भी अच्छा है ए। नहीं 1400 बोली ना, 20,000 का बत्ती बनेगी तुम्हारी यहाँ पे। तो क्या लेंगे 20,000? जो सुफियान ने मुझसे 10,000 चैलेंज जीता था वही पैसे खर्चे कराऊंगी तुम्हारे जाजरों को। ये देखो हम लोगों ने ये सब कुछ खरीद लिए, देखो ये सब भी हमारा है। इतना सब खरीदने के बाद भी निदा का पेट नहीं भरा है, वो बोल रही है दूसरी दुकान में जाएंगे फ्लावर देखने के लिए। तो यहाँ पर तुमने क्या खरीदे फ्लावर से खरीदे? तो क्या पत्ती का बकरे को खिलाने के लिए घर पे बकरा पाल रहे क्या? तो अभी हम लोग ये फ्लावर की दुकान पे, अब यहाँ पे हम बकरा बनेंगे। सोचो हम ऐसे पहले बकरे जो पत्ते खरीदना है। ये देखो निदा ने पूरी दुकान खाली करवा दी, जितने भी खाली स्पेसिस है ये सब निदा की वजह से, और खरीदी सिर्फ एक लड़की भी लड़की। उनको इतना परेशान करने के बाद एक फूल लिया हम लोगों ने, अब जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर भी कोई दुकान, थर्ड फ्लोर पे क्या निदा? थर्ड फ्लोर पे जो पैंपस एंड ऑल होते ना, पैंपस वो जो क्या बोलते हैं उसको, गेहूं कलर के जो घास होते हैं। अच्छा बेडरूम में लगा हुआ। अच्छा हाँ वो थोड़ा रियल एस्टेट जो फूल जाते धूप में रखने से वो। यस वो रियल है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं निदा किसकी बात कर रही थी। ये पैंपस होता है, ये सब होता है भाई। ये धूप में रखने से फूलता है क्या? खुलता है ना। मिसबा ने हम लोग को बोली थी कैसा होता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरे फार्म में आ गए किसी। तुम लो ना फटाफट जो चाहिए तुमको यार। गाइस ये बहुत टाइम पास करती, मेरे को बहुत गुस्सा आता मालूम, मेरे को बाल भी कटवाने गए। तो अभी इतनी शॉपिंग करके निदा का पेट नहीं भरा। तो याद है आप लोगों को जो हमारे बैकग्राउंड में घास लगी हुई इतनी लंबी, अब उसके ऊपर वो सस्ती वाली थी, तो निदा को महंगी वाली लगाना है। निदा बोल दी कि यहाँ से खरीदती कोई अच्छा अलग अलग डिजाइन वाली और उसको लगाते भी मेहनत करवाने वाली पूरी रात गाइस मेरे को लग रहा था। बहुत मजा आएगी गाइस, सच्ची बता रही हूँ, आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से करना चाहिए। पूरी रात ये थकाने वाली आज ये। तुम्हारे को समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बीवी मल्टीटास्क है? वो तो है, समझने वाली क्या बात है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी शॉपिंग हो गई, पॉट्स वगैरह की झाड़ वगैरह की। हम लोग का बिल हुआ है 25,000 रुपए का, जितना भी सामान हम लोगों ने लिया उसका मैं रेट आप लोगों को बताऊंगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक पीस का रेट बता पाऊंगा मैं, मतलब आप लोगों को लमसम बताता हूँ। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? देखो इसका पेट ना, इसका पेट भरता ही नहीं है, तो अभी जा रही कहीं और लेने के लिए।
तो गाइस वो दुकान से हम लोगों को भगा दिया गया है। भगा दिया गया नहीं है, दुकान बंद हो गई। मैं किसकी अभी बोलती थी, अभी शानू भाई कैसे आई हूँ, 20-25 करके आई हूँ। अरे पगली, इतनी फपाटिंग नहीं करते। बोली है गाइस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी यहाँ पे अभी क्या चीनी था, बस हो गया। बुलाते हैं कि आओ लो, आओ। नहीं नहीं, बोलो की दुकान बंद हो रही है, इसके लिए भगा दिया लोग ने अपने को। अभी क्या लेना है वो बोलो। अभी यहाँ पे जाके मैं वो कवर्स लेना है, पिलो कवर्स। अच्छा ठीक है, पिलो कवर्स। बोला कुछ ना कुछ उसका छूट ही जाता है। तो अबे निदा, ये क्या क्या पसंद कर रहे हैं, हर जगह तुम झाड़ों के कलर का ले रहे हो सामान। छह कलर है इसमें बोले उन्होंने। और कौन से कलर है भाई? तो हम लोगों को बैग मिल चुका है 850 में। अंकल 1150 बोल रहे थे, बट हम लोगों ने 850 में बार्गेनिंग करके ले लिया। निदा ने धमकी दी उनको, बड़ा जल्दी, तो मैं दूर से आई हूँ, तो बोला मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने ले लिया। गाइस ये पूरी मार्केट में घुमा रही मेरे को, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, मेरा क्या काम है। नहीं पता है यहाँ पे अपना कितना डिले हो गई है, पता है चीजें। मुझे पिलो कवर्स लेना था, मुझे क्या कुछ नहीं लेना था यार। मेरे को सबसे पहले हेयर कट करवाना, तुमको याद होगा तो। समझे हाँ गाइस, हम लोग का सामान इतना है कि अभी एक गाड़ी पे आने वाला है नहीं वो, तो उसके लिए अभी घर से मदद बुलवानी पड़ेगी मेरे को। ये देखो इसने क्या लिए, लेडी बॉस की चप्पल ली इसने, नल्ला एकदम, 350 रुपए की। पागल, ये हद हो गई क्या, वॉशरूम के लिए लियो। नहीं तो रेगुलर पहनोगे लेडी बॉस, हद हो गई। निदा तुम नल्ले पंजी की हद कर दियो, तुमने रस्ते में से क्या क्या खरीद लिया बताओ। एक्सक्यूज मी, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ब्रांड ही पहनती हूँ, मैं रस्ते की भी चीज़। वो तो डिपेंड करता है कैरी करने वाले ऊपर, वो कैसा पहनता है। पहनने वाले पे नल्ला चीजें भी ब्रांडेड दिखती है कि नहीं। भाई इसको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकते, कहीं भी रुकती है ये, कुछ ना कुछ लेने खड़े हो जाती है, पूरा सामान मेरे हाथ में थमा देती है। बोलो, सुफियान ने हेल्पिंग हैंड्स मंगाए हैं दो, अब्बा और दानिश आए हुए, ऑलरेडी सामान आ गया है। कूली बनाता है, कूली बनाता है, लोग आके सेल्फी ले रहे हैं, इनको इतना फेमस कर दिया, बोले कूली बना कर रखा। देखो देखो देखो, अभी सुफियान ने पर अब आपको बोले कि हम अपन दोनों साथ में चले जाते हैं, ये लेकर आएंगे, तो आप नई तकलीफ चाहते लेना, मतलब बेटे को देना तकलीफ। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते मम्मी इतना सारा सामान देखे, बोले इतना सारा सामान क्यों लाया। मैं बोला हाँ फिश टैंक बनाने लाया। मम्मी को लग रहा है, मम्मी को लगा कि वो पत्थर ले हो तुमने, किसलिए फिश टैंक में डालना। हाँ तो, और ये मम्मी को लगा ये फिश टैंक है। बोलो क्या बोलेंगे अभी बताओ। बोला अच्छा मम्मी, सब सामान 25,000 रुपए का आया है, कसम से सच्ची में 25,000 रुपए का सामान आया है। फिर भी बहुत सस्ते में पड़ गया अम्मी, 50,000 की बालकनी बनाने जा रहा था ये। मैं क्यों, ये क्या कुदम काजी कर रहे हो तुम, ये क्या हरकत कर रहे हो। नहीं कौन बोला, अभी आप ब्लॉग देखना, उसमें ये बोला था 5 महीने हो गए, नहीं तो ये इंटीरियर से मैं बोर हो गया, अभी चेंज करो पूरे घर का। चेंज करो ना। मैं भी चेंज कर रहा था इसको, क्या बोलता है, अभी चेंज कर दूं क्या। और हाँ मैं बताना भूल गया कि हम लोगों ने ये भी लाया घास, मस्त एकदम कारपेट पे बिछाने के लिए। कारपेट पे नहीं, सॉरी बैलकनी में, बैलकनी में एज अ कारपेट बिछाने के लिए। कमाल है इससे पहले झाड़ के कमरे नीचे का दिल ऊपर गया, इसके हाथ से तो गाइस फाइनली मेरे बाल कटवाने का टाइम आ गया है। अब मैं जाता हूँ बाल कटवाने, और इसको इसकी मम्मी घर पटक के आता हूँ, चल निकल तेरे घर पे जा, चल बहुत हो गया, बहुत टाइम पास कर ली ससुराल में। और आए अब्बा कूली बन के सामान लेके फिर से। हाँ अम्मी अब्बा बोल रहे हैं, मैं कूली बना के बुलाता हूँ अब्बा को हर जगह पे। प्यार से तुमको खार घर बुला रहे, इतना इधर क्या करूँ, इधर तो तुम मेरे को बुला रहे हो। बोलो अम्मी, देखो अभी तुम बोलते ना, और बोलते कूली बना के बुला दो। देख लो गाइस आप लोगों के सामने, मम्मी के सामने मैंने बोला, एकदम साबित करवा दिया मैंने। अरे एकदम वैसा ताओ में बोले अब्बा ने, बोल दिया मैंने। हाँ चलो मम्मी अभी तुम रहन दो, चलो। हाँ यार चलो गाइस मैं जाता हूँ बाल कटवाने, उसको छोड़ दो मम्मी घर पे। चलो सो गाइस, सुफियान की गली में एक मस्जिद है जिसका मेला लगा है यहाँ पे, करीम शाह बाबा। ओहो सारे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सुफियान है मेरे को भी मेले में एंजॉय करना है। बिठाओ ट्रैम्पोलिन पे, बिठाओ। ये बच्चे लोग का ट्रैम्पोलिन है, बड़े लोग का नहीं है, पागल। ये है वो दरगाह, उर्स है यहाँ पर।
सो गाइस मैंने बाल कटवा लिया हूँ और आप लोग देख रहे हो मैंने ज्यादा छोटे नहीं कराया बाल क्योंकि मुझे बालों में केराटिन करवाना है मेरी बर्थडे के लिए। जिनको नहीं पता है मेरी बर्थडे आने वाली है 1 मार्च को, तो उसके लिए मुझे केराटिन कराना है, इसके लिए मैंने छोटे बाल नहीं करवाया। और अभी चलते हैं निदा को उसके घर पे लेने फटाक से, क्योंकि हम लोगों को घर जाना है बालकनी सेटअप करने, है कि नहीं गाइस। सो गाइस निदा घर पे आई और स्पीकर जमा कर ली और अंकल को दे दो हम लोग अंकल का मूड खराब हो गया, बोले मेरा स्पीकर लेके जाए वो देखो अली वहां जाके रख दिया अंकल चालू कर दो अपना भी अभी। हाँ मैं सब अपडेट देखता हूँ, सब देखता हूँ मैं। मान मान निदा को नीचे उतारा हूँ, मैंने उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालूम निदा कितना टाइम हो गया यार, सारी चीजें जमा करी, जमा किए, लेकिन अभी तुम डेकोरेशन कैसा करेंगे घर जाके, अभी कितना लेट हो गया है। अभी देखते ना, अभी चलो तो सही घर पे। चलो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और क्या। तो गाइस हम लोग अभी घर पे आ गए और हम लोग यहाँ पे नौशिंग की वीडियो बना रहे थे, आप लोग देख लेना नौशिंग के चैनल पे जाके। हम लोगों ने एक सिबलिंग क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाई जिसमें हम दोनों की पुरानी पर्सनल बातें यू नो गाइस बाहर आ गई है, जो मुझे नहीं बतानी थी, बट अभी आ गई कोई बात नहीं। टाइम हो गया है 12:30, अभी अब उन कब पहुंचेंगे और कब डेकोरेशन करेंगे बताओ, अभी घर जाके देखते टाइम मिलेगा तो करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मम्मी बोल रहे आज मत करो कल करो, बट अभी वहाँ पहुंच के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सब लोग सामान वामान लोडिंग हो गई है। चलो अम्मी अल्लाह हाफिज, जल्दी जल्दी आओ आप लोग भी वहाँ पे जल्दी। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, बाय बाय, और अभी जा रहे हैं पार्किंग में जहाँ पे उन्होंने कार पार्क की है, नई जगह पे हम लोग निकल गए ऑलमोस्ट। देखो फ्रीवे पे आधा पहुंच गए, वडाला अभी पहुंचने वाले। ये जो इतने बड़े महान हस्ती है, इन्होंने जो मुझे याद है आप लोगों को मैं कब से बोल रही थी कि शानू भाई ने मुझे फ्री में दिए स्टोन्स, मार्बल्स बोलते, वो इन्होंने वहीं पे पार्किंग में छोड़ दिए दोनों। भूल गया मैं, छोड़ नहीं दिया, भूल गए इतनी बड़ी, इसलिए यार मतलब मेरे को ना कभी भी फ्री की चीजें पचती नहीं है यार, कसम खुदा की बोल रही हूँ मैं। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, अगर वो चले गए सुफियान, बोलाओ दानिश को फोन करके बोलाओ, मैं कम से कम 4,500-5,000 की गोनी है वो, और मुझे फ्री में मिली है यार। घर चलो अब तुमको बताती हूँ। हम लोग पहुँच गए है लेने के लिए, लो लेके जाओ। कैसे भूल सकते हो यार सुफियान, तुम देखो ना, आराम से मेरे फ्लावर्स है। तो वो तो दानिश भाई थे, तो उनको बोल के हम लोगों ने सामान वहां से मंगवा के बाहर मंगवा लिए, वरना वहां जाते वापस तो हो जाती और लंबी। चल थैंक यू दानिश भाई। चलो फाइनली मुझे इतनी खुशी हो रही है, बट सही में ऐसा बोलते कभी कभी कि फ्री की चीजें कभी कभी पचती है। और अपने केस में तो बिल्कुल नहीं पचती, बिल्कुल भी नहीं पचती, पता नहीं क्या ही है फ्री का और अपना लेन देन। अभी हम लोग घर पहुंचते हैं फटाफट। तो गाइज हम लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर किए और जोमेटो वालों को रास्ते में रुका लिए, बोला लाभ लौट दे मेरा। थैंक यू। ये सारा सामान तो ऊपर आ गया है सुफियान, हम लोग लकी, हमें ऐसे दोस्त मिले बेचारे। महमूद भाई ने पूरा अकेले हाँ चलो डब्बा खुल चुका है और डब्बे में निकले हैं 2 क्रीपर। तो ये आप लोगों ने देखे थे, इसका प्राइस है 1,000 रुपीज गाइस पर पीस। अरे अरे क्या कर रहे। तो ये वाला झाड़ है हमारा स्नेक प्लांट, ये कुछ 2,500 का समथिंग। नमस्ते, वेरी लवली रहना। अवार्ड दे रहे, अवार्ड दे रहे, मैं 10 छोटी बांधी। मस्त लग रहा है ना, ये कुछ आया है 2,300-2,400 का। सो गाइस ये दूसरा वाला है और ये 2,600 रुपए का है गाइस। सो गाइस ये है हमारा कुछ 600 का, 700 का, 600-700 रुपए का है गाइस। कल करेंगे ना अभी अपुन, मैं बता रही हूँ।
करूंगी अभी तो फिलहाल ऐसे ही रखी झाड़े ये हमें मिला है कुछ 700 का और ये हमें मिला है कुछ 300 या 400 का। अभी मैं अपने बकरे लाऊंगी हम लोग बैल लाए। ये क्या है निदा? गोभी का झाड़ ये छोटे पॉट में लगाने के लिए। ये कुछ 200 का आया था शायद 200 या 300 का। ये तो बेर का पेड़ लाई है निदा। ये अंजीर उगी हुई इसके ऊपर। और ये कितने का है निदा? ये कुछ 1700-1800 का है। ये 1500 के आसपास का। सो गाइस ये झाड़ है और ये आया है हमें कुछ 3000 के आसपास। और ये वाला भी एक है, ये भी हमें कुछ 2500 के आसपास आया है। तो गाइस ये वाला भी एक झाड़ है, ये भी हमें कुछ 2500 के आसपास आया है। मतलब गाइस जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिए ना वो सब कुछ 2000-2500 के आसपास ही है। गाइस अगर आप बजट बना के जा रहे हो अपनी बैल्कनी के लिए तो कम से कम 25000 बजट बना के जाओ। 25000 में आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ गैलरी में। तो गाइस ये गैलरी कल पूरी चेंज हो जाएगी, बहुत मजा आने वाली है। तो गाइस आप लोग देख चुके हो बाकी सब हमारी चीजें। सो अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं पूरा बैल्कनी सेटअप करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगी गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।